वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स. आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट. नेम ऑफ द चैप्टर इज ईमेल मैसेजिंग एंड सेशन नंबर 6 मोर ऑन आउटलुक. ऑलराइट, तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा था हाउ टू यूज आउटलुक. ओके, इसमें हम लोगों ने हाउ टू कंपोज ईमेल देखा था, हाउ टू सेंड मेल देखा था, देन कॉन्फिगरेशन ऑफ मेल आईडी देखा था. राइट, अब इस सेशन में हम लोग और भी जब मेल कंपोज करते हैं और भी कुछ कुछ फीचर्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे. ओके, और हाउ टू ऐड कॉन्टैक्ट, हाउ टू एडिट कॉन्टैक्ट और हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट. ओके, ये सब हम लोग देखेंगे. एक्चुअली मेल में हम लोग एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है वैसे ही हम लोग इसमें ईमेल में भी बना सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. Now see, this is our outlook. Okay, अब इसमें फर्स्ट में मेल के और भी फीचर्स दिखाती हूँ. ओके, अब यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है. ओके, ऑलराइट, तो जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर एक्सेल में भी हम लोगों ने देखा है कि कैसे करके स्पेलिंग या ग्रामर चेक करते हैं, वैसे यहाँ पे आउटलुक में भी जब हम लोग टाइप करते हैं तो हम लोग स्पेल चेक कर सकते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे जाइए स्पेलिंग एंड ग्रामर. नाउ सी, यहाँ पे सजेशंस है, यहाँ पे हम लोगों की एरर है ये वाली, और यहाँ पे सजेशंस है. वी विल चूज अप्रोप्रिएट सजेशन. अप्लाइंग हम लोगों ने चूज किया एंड क्लिक ऑन चेंज. ओके, यहाँ पे नेम, कोई भी नेम होता है वो हम लोगों को एरर दिखाएगा ही, सो हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर वंस. ओके, और हम लोगों को अगर इसका सिनोनिम चाहिए तो भी हम लोग चेक कर सकते हैं किसमें, यस थीसरस में. ओके, नाउ सी थीसरस. यहाँ पे अलग अलग टाइप से सिनोनिम्स आप कर सकते हैं. रिक्वेस्ट, सपोज अगर मुझे रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट करूंगी, देन आई एम रिक्वेस्ट, बट यहाँ पे आई एम रिक्वेस्टिंग होगा. तो हम लोगों को ऐसे सिनोनिम्स मिल सकते हैं थीसरस से. सो दिस इज अबाउट स्पेलिंग एंड ग्रामर. और एक यहाँ पे ऑप्शन है हाई इम्पोर्टेंस एंड लो इम्पोर्टेंस. जब हम लोग कोई मेल सेंड करते हैं तो जो रिसिपिएंट है उसको आपको हाई इम्पोर्टेंस देने के लिए बोलना है आपके मेल को, या फिर लो इम्पोर्टेंस. दैट मीन्स क्या है, अगर आपने हाई इम्पोर्टेंस अगर चूज किया तो ये मेल जो है वहां पे स्पेशली हाईलाइट होगा. ऑलराइट, तो उसमें हाई इम्पोर्टेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसमें लो इम्पोर्टेंस मीन सेट दिस आइटम एज लो प्रायोरिटी. ऑलराइट, नेक्स्ट अटैच फाइल. अटैच फाइल मतलब मैंने बोला था हाउ टू अटैच. यस, सपोज कोई भी एक फाइल है मुझे अटैच करनी है तो मैं अटैच कर सकती हूँ, और यहाँ पे अटैच आ जाता है. ओके, और यहाँ पे टू में भी हम लोग बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं. ऑलराइट, जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को तब फॉर्मेट टेक्स्ट आता है, यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे जो एड्रेस बुक अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग एड्रेस बुक से हम लोग अपना ईमेल आईडी चूज कर सकते हैं रिसिपिएंट का. ऑलराइट, बट यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई कॉन्टैक्ट ऐड नहीं किया. सो लेट्स ऐड द कॉन्टैक्ट.
एड कॉन्टेक्ट करने के लिए न्यू में जाएंगे और कॉन्टेक्ट. सपोज आई वॉन्ट टू एड कॉन्टेक्ट, ओके, फुल नेम देना है. यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स हम लोगों को, एक कॉन्टेक्ट के लिए अलग अलग डिटेल्स हम लोगों को फिल करके रखने पड़ेंगे. ये हम लोगों का वन टाइम प्रोसेस होता है, वन टाइम हम लोगों को डिटेल्स सब फिलअप करने पड़ते हैं. यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं कि कैसे करके हम लोगों को नाम को डिस्प्ले करना है. यहाँ पे हम लोगों को प्रीव्यू मिलेगा, ओके. नाउ ईमेल, यहाँ पे हम लोग बहुत अलग अलग ईमेल्स कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बहुत सारे ईमेल. ओके, नाउ डिस्प्ले एज, देखिए यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करेगा ये. ऑल राइट, ये ऐसे ही डिस्प्ले करेगा, मैंने चूज किया. वेब पेज एड्रेस अगर होता है तो आप कर सकते हैं. नाउ फोन नंबर्स, एक रैंडमली फोन नंबर दे रही हूँ, फोन नंबर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्ट्स. अब यहाँ पे हम लोग फोटो भी ऐड कर सकते हैं. जब भी हम लोग फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिन भी आएगा और यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड पिक्चर करने से हम लोग कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, राइट. तो ऐसे करके ये हम लोगों का कॉन्टेक्ट कार्ड आ गया. ऑल राइट, नाउ वी विल सेव दिस वन एंड क्लोज. ओके, अब हम लोग जब न्यू में जाएंगे तो एड्रेस बुक में हम लोगों को वो कॉन्टेक्ट दिखेगा. ओके, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं एंड ओके, राइट. तो कॉन्टेक्ट्स का क्या यूज होता है, कॉन्टेक्ट का यूज होता है जैसे हम लोगों को वेब मेल एड्रेस जो है वो याद कर रखने की जरूरत नहीं है. वी कैन चूज द मेल एड्रेस फ्रॉम द कॉन्टेक्ट लिस्ट. All right. Now हम लोग जो एड्रेस कॉन्टेक्ट जो ऐड किया वो हम लोग शो करेंगे, देखेंगे कॉन्टेक्ट्स. ओके, अब यहाँ पे जितने भी कॉन्टेक्ट्स होंगे वो शो करेंगे. All right, or you can search from this, okay, like this. तो यहाँ पे contact ऐसे आ जाएगा और हम लोग कुछ अगर change करना है तो इसमें change कर सकते हैं. All right, and save and close, change हो गया. और अगर ये contact हम लोगों को delete करना है तो फिर हम लोग डिलीट करने से कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाएगा. ऑल राइट, ओके. अब यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट है जैसे इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, आउटबॉक्स. ऑल राइट, तो अभी इसमें अगर हम लोगों को कुछ अपने पर्सनल फोल्डर्स बनाने हैं, ओके, जैसे कि अपने पर्सनल यूज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई फोल्डर बनाना है तो कैसे क्रिएट करेंगे. गो टू न्यू एंड फोल्डर, ओके, गिव द नेम. सपोज आई एम गिविंग एजुकेशन, ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा,
इनबॉक्स में जितने भी मेल है हम लोग एजुकेशन में मूव कर सकते हैं, अपने फोल्डर में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज के लिए हम लोग अपने पर्सनल फोल्डर्स में इसको मूव कर सकते हैं, एंड यू कैन डिलीट द फोल्डर ऑल्सो सी. ओके, लाइक दैट वी कैन मैनेज फोल्डर्स ऑल्सो. ऑल राइट, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न अबाउट द फोल्डर्स, हाउ टू क्रिएट फोल्डर्स, हाउ टू क्रिएट कॉन्टैक्ट. ऑल राइट, और हम लोगों ने देखा कि कैसे करके स्पेलिंग ग्रामर चेक करते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे करके एडिट करते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे करके डिलीट करते हैं. ऑल राइट, थैंक यू.